हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हम स्टार्ट कर चुके हैं उसका मैंने पहला लेक्चर दे दिया था। पहले लेक्चर में मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, दूसरे लेक्चर में मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिसेस दोनों का मैंने इंट्रोडक्शन भी करवाया था और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो मैंने क्वेश्चंस पहले लिख लिए हैं, अब इसके सिर्फ हम ऑर्डर्स लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ए, इसमें देखें रोज कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं वो भी 2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए एम बाई एन यानी 2 बाय 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इसमें रोज कितनी है वो भी 2 है और कॉलम्स कितने, नंबर ऑफ़ कॉलम्स को m से और नंबर ऑफ़ रोज़ को m से शो करेंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को n से, तो वो भी 2 है। वर्टिकल अरेंजमेंट्स इज़ कॉल्ड कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इज़ कॉल्ड रो। तो ऑर्डर ऑफ b वो भी 2 बाय 2। इस तरह ये c है, इसमें देखें रोज़ कितनी है, एक ही रो है और 2 कॉलम्स हैं, ये c1 c2, तो इसमें m कितनी है 1 और n वो 2, तो ऑर्डर ऑफ c इज इक्वल टू मतलब m 1 बाय 2, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये r1 r2 r3 और कॉलम्स कितने हैं वो एक ही है, तो m कितनी है 3 और n 1, तो ऑर्डर ऑफ d कितना हो जाएगा 3 बाय 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स n वो 2 वो कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज देखें इधर वो 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो 2 हैं, तो ऑर्डर ऑफ ई एम मतलब 3 बाय 2, ठीक है। 6 आ जाएँ, इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है, ठीक है, m1 n1, तो ऑर्डर ऑफ f इज इक्वल 1 बाय 1। जी में आ जाएँ, देखें कितनी रोज है 3 और कॉलम्स कितने हैं वो भी 3, तो ऑर्डर ऑफ जी वो 3 बाय 3, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 8, एच में देखें रोज कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं 3, m3 रोज कितनी है 2 और कॉलम्स वो 3, तो देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 2 बाय 3। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें हमने मुख्तलिफ मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड की, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल मैट्रिसेस। तो ये पेपर में क्वेश्चन आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो बड़ी अच्छी तरह समझाई हुई है और बताई भी थी, ठीक है। तो देखें ज़रा, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, मैंने बताया था कि 2 मैट्रिसेस इक्वल होंगे अगर उनका ऑर्डर इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ क्या हों, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर देखें, 3 का ऑर्डर 1 बाय 1 है, इधर देखें सी का 5 माइनस 2 3 आएगा, मतलब ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज़ भी सेम है, ठीक है। तो ए जो है वो सी के बराबर है, ठीक है। अब देखें बी 3 5 है और इधर आ जाए आई में 3, ये एंट्री दोनों प्लस हो गए 3 प्लस 2 5, तो बी किसके इक्वल है, आई के, ठीक है। अब देखें एफ 2 6 है और जी देखें 3 माइनस 1 2 3 प्लस 2 6, यानी ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। अब आ जाएँ ये ई में, एच में और जे में, देखें ज़रा 4 0 6 6 2 4 0 6 2
जे में आ जाए 2 + 2 = 4, ये कैंसिल होगा 0, ये 6, 2 + 4 = 6, 2 + 0 = 6, यानी बी ई जो है वो एच के भी इक्वल है और जे के भी इक्वल है, ठीक है, यानी ई एच और जे, ये तीनों जो मैट्रिसेस हैं ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। अब बचा कौन, डी, डी जो है वो किसी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है, डी इज़ नॉट इक्वल टू एनी मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 5 3 है, 5 3 किसी में भी नहीं है, ठीक है, ये 3 5 था, ये 3 5 था, 5 3 जो है वो और कोई मैट्रिक्स इसमें नज़र नहीं आ रहा हमें, तो डी इज़ नॉट इक्वल टू एनी मैट्रिक्स ऑफ दीज मैट्रिसेस, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, तो इसमें देखें हमने ए बी सी डी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है, तो ए प्लस सी, ए प्लस टू बी, सी माइनस वन, फोर डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस सेवन, थ्री टू डी, ठीक है। अब इसमें देखें बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस दोनों का ऑर्डर, दोनों इक्वल मैट्रिसेस है ना, ये इक्वलिटी की अलामत लगी हुई है, तो इक्वलिटी की अलामत शो करती है कि ये वाला मैट्रिसेस दोनों इक्वल हैं, तो अब दोनों कंडीशंस के मुताबिक कि दोनों का ऑर्डर सेम है, इसमें कितनी रोज़ हैं 2 और 2 कॉलम्स, इसमें कितनी रोज़ हैं 2 और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल कर रही है, दूसरी कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैंने बताया था ए प्लस सी किसके बराबर होगा, 2a, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, इस तरह c माइनस वन वो 3k, c माइनस वन 3k, 4d माइनस सिक्स वो किसके बराबर होगा 2d के। अब हमने तो ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो आप सबसे पहले आसान इक्वेशन वो ले लें, सबसे इजी है यही है, फ्रॉम इक्वेशन 3, सी माइनस वन इज इक्वल टू 3, तो सी इज इक्वल टू 3 + 1, सी इज इक्वल टू 4, तो सी की वैल्यू आ गई। अब ये सी की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट सी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ए प्लस 1, ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है, दो वैल्यूज आ गई ए की और सी की। अब देखें, अब ये ए की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, पुट ए इज इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में ए की जगह पे माइनस 4, 2b एज इट इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है, यहाँ से देखें 2b इज इक्वल टू 7 प्लस, ये माइनस का 4 है दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का, माइनस का 4 है दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू, तो ये हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, -3/2, अगर इसको डिवाइड करें तो -1.5 आएगा, यानी बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अब एक वैल्यू रह गई कौन सी, डी, तो इसके लिए इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, तो डी वाली रकम्स टर्म्स जो है वो एक साइड पे लें, 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6, यहाँ से 2d इज इक्वल टू 6, 2 पे डिवाइड करें तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो ये 4 वैल्यूज हमारे पास आ गई, सी इज इक्वल टू 4, ए माइनस 4, बी की वैल्यू -1/5 और डी की वैल्यू 3, ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए। सर ये डी की वैल्यू दोबारा करवा दें। अच्छा डी की, ये वाली डी की वैल्यू, अच्छा ये देखें इक्वेशन 4 हमने लेनी है, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, तो हमने डी वाली टर्म्स जो हैं वो एक साइड पे लेके आनी है, ठीक है,
तो 4d माइनस, ये प्लस का 2d है इधर आएगा तो माइनस का 2d हो जाएगा, 4 2d माइनस 2d, 2d इज इक्वल टू 6। अब हमने d फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों को 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये देखें, ये दो दो से कैंसिल, 2 3, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 3 6, ठीक है। d की वैल्यू कितनी आ गई, 3, हो गया क्लियर। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है।